हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो और टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, निमोनिया में क्या होता है, हमारे लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू एल्वियोलाई और एडजेसेंट एयरवेज का। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको बहुत से तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक लोब तक अगर कॉन्फाइंड है तो लोबुलर निमोनिया, और अगर फैल चुका है तो ब्रोंको निमोनिया, और या पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे एड्स में होता है तो इसको इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सडन ऑनसेट होता है लोबुलर निमोनिया का, जिसमें फीवर आता है पेशेंट को, पेशेंट नॉट फीलिंग वेल, वॉमिटिंग होती है, स्टार्टिंग में कफ होता है पेशेंट को, ड्राई कफ, बट कुछ दिनों बाद पुरुलेंट स्पूटम आपको देखने को मिलता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, प्लूरिटिक पेन होता है, जब इन्फ्लेमेशन प्लूरा तक स्प्रेड हो जाता है तो शार्प पेन पेशेंट को होता है जब भी वो लंबी गहरी सांस लेगा या कफ करने की कोशिश करेगा। चेस्ट एक्सरे की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ओपेसिटी के रूप में, स्पेशली लोबुलर निमोनिया के केस में। ऑस्कल्टेशन की अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल ब्रीथिंग आपको सुनाई देगी, स्पेशली लोबुलर निमोनिया के केस में, क्योंकि कंसोलिडेटेड लंग टिश्यू से एयर का मूवमेंट होता है ट्रेकिया तक, इसकी वजह से आपको बड़ा हुआ वोकल रेजोनेंस सुनाई देगा, और आपको अगर ब्रोंकोस्पाज्म है तो वीज भी सुनाई दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपको इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट नज़र आएगा। बायोकेमिस्ट्रिकल इन्वेस्टिगेशन में आर्टेरियल ब्लड गैस को मेज़र करना होता है ताकि आर्टेरियल हाइपोक्सेमिया किस एक्सटेंट का है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में कितना कम हुआ है, ये पता लगाया जा सके। उसके बाद माइक्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्पूटम को ग्राम स्टेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जा सके और डॉक्टर्स आपके एंटीबायोटिक्स को अल्टर कर सके। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, एडिक्वेट फ्लूड पेशेंट को दिया जाता है ताकि फ्लूड बैलेंस रहे बॉडी में, एनाल्जेसिक्स पेशेंट को दिया जाता है प्लूरिटिक पेन को कम करने के लिए, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती है क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड गैस होता है वो रेगुलर टाइम पर मॉनिटर करना होता है। अब बात करते हैं निमोनिया में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। फिजियोथेरेपी इंडिकेटेड हो जाती है जब से इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अगर एम की बात करें टू रिड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, अगर ब्रोंकोस्पाज्म है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, लंग फील्ड को सीक्रेशन से क्लियर रखने के लिए, लंग्स को फुल रीएक्सपेंशन, जो लंग्स का फुल रीएक्सपेंशन है उसको वापस से गेन करने के लिए, एक्सरसाइज टॉलरेंस और फिटनेस को दोबारा से पाने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको एक आउटलाइन दी है निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।